সাবাদা বীরমণি শিক্ষাপদিং স্মাদিয়ামি कुछ शब्द यानी वर्ड को ध्यान से सुनिए और चिंतन और मनन कीजिए। महायानी या महाज्ञानी यानी जिसको ज्यादा बड़ा ज्ञान हो, महादेव, महारथ, महारथी, महाराष्ट्र और आज के समय जो पाली में कहते हैं महारठ, महामोगल्लान, महारक्षित, महावंश, महामाया, महाबोधि, महाविहार, महाअभियोग, महापुरुष, महामत्त, महामत्त का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, महामुनि, महायोग, महासमुद, महाधुत, महाजन, महाजनपद, महाथूप या महास्तूप, महाथेरा, महाथेरी, महागाथा, महाकथा, महाबल, महाराज, महाधनी, महामत, महासम्मत, महारानी, महाधूर्त या महाधुत, महामूर्ख। और सबसे आखिर में, क्योंकि इन सारे शब्दों को बताने का जो मेरा मतलब है वो है सबसे प्रमुख महाभारत। ये जो शब्द जितने भी मैंने आपको पहले बताए हैं जिनमें महा लगा है, इन सब में महा लगने का मतलब है बड़ा। पुरानी भाषा में, पाली में जो बुद्ध के समय या बुद्ध से पहले जो भाषा थी उसमें बड़े को, विशाल को महा से बताया जाता था। कहते हैं महासुख यानी बड़ा सुख हो गया, महामत यानी महामंत्र या महामित या महाराज या महारानी। तो ये सारे जितने भी महा लगते हैं इसका मतलब एक ही होता है, विशाल और बड़ा। तो महाभारत का मतलब अलग नहीं हो सकता। महाभारत का मतलब क्या है? भारत जो बड़ा है। जब भारत बड़ा है तो ये प्रश्न स्पष्ट आता है कि छोटा वाला भारत कैसा था और उस छोटे भारत में और बड़े भारत में अंतर क्या था और किस व्यक्ति ने, किन लोगों ने इसको भारत से महाभारत रखा। पहले भारत का मतलब समझ लें, क्योंकि भारत शब्द अशोक के बाद आया है। भारत का मतलब है आभारत, आभारत, आभारत यानी महा आभारत। तो आभा माने होता है चमक और ग्लोरी और रत माने होता है उसमें रमने वाला, उसमें रहने वाला, यानी जहां हर समय एक चमक रहती है, जहां हर समय लोग सुखी से चेहरे चमकते रहते हैं, सारे लोग धन धान्य से, पढ़ाई लिखाई से, मेहनत मजदूरी से, सुख और शांति से रत रहते हैं, ऐसा जगह उसको कहा है महाआभार रथ, यानी बड़ा चमक में रहने वाला, रत में रहने वाला स्थान। तो बड़ा है तो छोटा और बड़े में अंतर समझे। दरअसल अशोक के बाद में ये महाभारत बना है, अशोक से पहले ये भारत था। अशोक ने पूरी अपनी राजनीति से, कूटनीति से, युद्ध नीति से, रणनीति से, जो भी राजपाट करने की राजा की नीति होती है, उसने सभी जितने भी छोटे 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 जनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनमें जितने भी हो सके, क्योंकि उड़ीसा से नीचे का हिस्सा तो नहीं उसके कब्जे में आया, उससे ऊपर का ईरान से लेके और बर्मा तक का और ऊपर कंधार तक का और ऊपर अफगानिस्तान से ऊपर तक का जो एरिया था वो सब उसने जीता। या ये कहें कि जब बाद में उसने अपनी फिलॉसफी और अपनी जो पंचशील का सिद्धांत है वो लागू किया तो वो इंटैक्ट भी रहा और उसके बाद के राजाओं ने भी उस पूरे महाभारत को रचने में, रखने में, रखरखाव में, मेंटेन करने में पूरी भूमिका निभाई। उस समय के विशाल और बड़े भारत को जो भौगोलिक रूप से, सुख समृद्धि के रूप से, सुख शांति के रूप से और खासतौर से व्यापार के रूप से, क्योंकि 23-26% का पूरा विश्व का GDP यानी व्यापार भारत से होता था, तो पूरे लोगों को खूब पैसा मिलता था, सुख शांति से रहते थे। और उसने 84,000 शिलालेख वगैरह जो स्तूप हैं, थूप हैं, जो जीवों के अस्पताल हैं, जो मनुष्य के अस्पताल हैं, प्याऊ हैं, सराय हैं, वो सारी उसने धर्मशालाएं वगैरह बनवाई और वो सारी के सारे लोगों को सुख सुविधा, सारे पत्थरों की किताबें उसने बनवाई। पत्थरों की किताब जब उसने बनवाई तो स्क्रिप्ट आ चुकी थी, तो पत्थरों की किताब को पढ़ने वाले लोग भी थे, यानी वो पढ़ लेते थे,
इसका मतलब सारे लोग पढ़े लिखे थे, जो नियम वो बताता था वो बिल्कुल पत्थरों की किताब पे लिखे जाते थे और लोग उसको पढ़ते थे और बताए जाते थे। वो महाभारत रहा है, वही असली महाभारत है। उसके बाद में भारत महा नहीं रहा, छोटा भारत होता चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि कलिंग के युद्ध को महाभारत बोलते हैं। कलिंग के युद्ध तक भारत का नाम नहीं था, वो कलिंग के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है, भारत शब्द उसके बाद में, क्योंकि बुद्ध जो अशोक के समय में, आभा अशोक के समय के बाद आई है, जब उसने पंचशील का सिद्धांत पूरे देश में लागू किया तब लोगों के चेहरे पर चमक आई। किसी के सर के ऊपर आप तलवार रख दो और उससे कहो कि जरा अपना चेहरा चमकाओ, किसी के सीने पे आप तलवार रख दो या उसे डर रहे कि अशोक की सेना मुझे आके मारेगी, कैसे चमक आएगी। जब अशोक ने यह कहा कि मेरी तलवार अपने महाभारत के लोगों के लिए नहीं उठेगी, मगर मेरी सेनाएं इंटैक्ट रहेंगी, मेरी सेनाएं ऐसी कैसी रहेंगी, और वो सेनाएं बॉर्डर पे रहेंगी, बाहर का दुश्मन आएगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं और अपने देशवासी को कुछ कहेंगे नहीं, तो वो अपने देशवासियों को पूरी सुरक्षा देता था, तब चेहरे पे चमक आई, तब उसका ध्यान व्यापार में गया, तब उसका ध्यान एजुकेशन में गया, तब उसका ध्यान लोगों के कल्याण में और वेलफेयर में गया, तब महाभारत बना। और वो महाभारत इतना जबरदस्त था कि पूरी दुनिया उसके सामने झुकती थी, सलाम करती थी। इसलिए जो बड़ा भारत है, महाभारत है, उसका जो रचने वाला है, उसका जो रचयिता है, उसका जो लेखक है, उसको जो बनाने वाला है, उसको जो क्रिएट करने वाला है, जो उसका क्रिएटर है, वो जो श्रेय जाता है वो सम्रट पियदस्सी धम्मचक्रवर्ती या धम्मचक्रमंतु सम्राट अशोक को जाता है। और उसके बाद के जो राजा आए हैं जिन्होंने धम्म को आगे तक बढ़ाया, क्योंकि अशोक के जाने के बाद भी लगभग 1000 साल तक राजाओं ने धम्म को विशाल रूप से बढ़ाया है और इसको काम में लेके आए हैं। तो ये सारा का सारा जो मंजर है महाभारत का, ये उस समय का बना हुआ है। अभी तो महाभारत के दर्शन थोड़े से दुर्लभ हैं, मगर हो सकते हैं कि अगर आप पंचशील का सिद्धांत अपना लें, बुद्ध की फिलॉसफी को अपना लें, पूरी तरह से मेहनत करें, अपने काम में गए, नशा पता चोरी चगारी ये सब छोड़ दें और सारा काम ठीक करेंगे तो राष्ट्र ऑटोमेटिक ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। राष्ट्र के अंदर अगर झगड़े ना हो अशोक की तरह, बाहर के झगड़े सेना संभाले और अंदर के कोई झगड़े ना हो, अंदर मारकाट ना मचे, तो बहुत तेजी से फिर GDP 26 की बजाय 66% भी पूरी दुनिया की हमारे पास हो सकती है। वो गुण पहले भी था, वो गुण अभी भी है, मगर सिर्फ उस गुण को निकालने की आवश्यकता है। बुराइयों को हटाइए, वो गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए जब भी कहीं महाभारत आए तो महाभारत की कथा यही है, इति श्री महाभारत गाथा। इति माने होता है यह, श्री माने होता है हेड यानी मुख्य, महाभारत यानी कि बड़े भारत, और गाथा माने जो कहानी है वो है। और ये सारी की सारी जितनी भी है अशोक ने बनाई हुई है, अशोक के समय की है, जो पत्थरों में दफन है, धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल के आ रही है। और ये जो धम्मपद है ये भगवंतु वदेन गीता है, जो धम्मपद है भगवंतु वदेन गीता क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को भग्न करने वाला बोलते हैं, तो भग्नवंतु यानी भग्नमंतु या भग्नवंतु, वदेन वदेन माने जो वदा है कहा है, और धम्मपद है। और गीता किसने बोलते हैं, एक गीत को पाली में बोलते हैं गीतो, और बहुत सारे अगर गीत हों तो उनको बोलते हैं गीता, यानी ये जो इतने सारे जो धम्मपद हैं जो रचे हैं भगवान बुद्ध ने, इसलिए धम्मपद को भगवंतु वदेन गीता भी बोला जाता है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब
आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.